जवा में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। तीन आरोपी थे, दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसकी मांग को लेकर सभी ग्रामीणों ने आज थाने का जमकर घेराव किया है। पनवार थाना क्षेत्र के लटियार गांव में एक आदिवासी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर गांव के ही तीन दबंग युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर आदिवासी समाज ने 7 अगस्त को पनवार थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद SDOP DP सिंह ने 3 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो आदिवासियों ने थाने का घेराव किया और एक बार फिर गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं लोगों का कहना है कि 3 को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वे यही जुटे रहेंगे। घेराव तो नहीं किया था, उनकी डिमांड थी। एक अपराध हुआ था कुंडलीपुरवा गांव में, थाना पाना अंतर्गत आरोपी गिरफ्तारी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तो उनके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आरोपी भी उम्मीद है कि आज शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस का आश्वासन दिया गया था जी जी, और गिरफ्तार कर लिया गया। 25 दिनों पहले पनवार थाना क्षेत्र के गांव के आदिवासी बच्चे के साथ गांव के ही 3 दबंग युवकों ने बलात्कार किया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस प्रशासन पर जो पीड़िता है और पीड़िता के परिजन है वो लापरवाही का आरोप लगा करके थाने का घेराव कर रहे हैं। और विधि को आपको 3 दिनों पहले इन लोगों ने थाने का घेराव किया था, जहाँ पर पुलिस के अधिकारी SDOP के DP सिंह के द्वारा 3 दिनों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया था, जिस पर इनके परिजनों ने मांग मानी थी। और उसके बाद इन्होंने यहाँ से प्रदर्शन अपना खत्म किया था। उसके बाद आज फिर इन्होंने काफी संख्या में गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।